अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY504 का लेसन नंबर 11, दैट इज ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी क्या होता है? ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है, वो ऐसे काम जिसके अंदर हमें अटेंशन नहीं देना पड़ती और एक काम के साथ हम कोई और काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आप साथ बातें भी कर रहे हैं, आप साथ स्मोकिंग कर रहे हैं, उसे ये सब चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, ठीक है। आपको उसके लिए तवज्जा देनी नहीं पड़ रही, इसे कहते हैं ऑटोमेटिसिटी, क्योंकि इस चीज इन तमाम चीजों की हमें प्रैक्टिस हो चुकी होती है। प्रोस एंड कॉन्स के उन्होंने इसके बारे में लिखा हुआ है, इट अलाउज अस टू परफॉर्म रूटीन एक्टिविटीज। ये मतलब हम जो भी रूटीन एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उनके लिए हमें ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं होती, ज्यादा मेंटल एफर्ट्स की जरूरत नहीं होती, हमें ज्यादा अटेंशन देना नहीं पड़ती। मतलब हम कॉन्शियसली कंट्रोल के किए बगैर उन चीजों को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि हम उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उनके लिए हमें बहुत सारी हमसे छोटी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, या हम उसको करने में नाकाम भी हो सकते हैं, या हम किसी दूसरे इंसान को बताने के काबिल नहीं होते कि हमने ये टास्क परफॉर्म किया कैसे है। When is a skill automatic? उन्होंने कहा है कि एक स्किल जो होती है वो ऑटोमेटिक कब होती है और कैसे होती है। अकॉर्डिंग टू पोजनर एंड सैंडर, इन्होंने कहा कि स्किल ऑटोमेटिक होती है अगर आप अटेंशन ना दें, अगर आप अपने कॉन्शियस अवेयरनेस को राइज ना करें, अगर आप अपनी दूसरी मेंटल एक्टिविटीज के दरमियान इंटरफेयर ना करें, फिर क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी स्किल है ये ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिसिटी में एक अदर परस्पेक्टिव बताया जिसके अंदर शिफ्रिन एंड स्कैंडल की बात हुई है। इन्होंने ये सोचा कि ऑटोमेटिसिटी जो है इसकी कैटेगरी पे जब इन्होंने काम किया तो इन्होंने मोरे के एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया। मोरे का एक्सपेरिमेंट क्या था कि जो मोरे थे इन्होंने एक प्रैक्टिस की थी अपनी लाइफ में कि ये हर वक्त अपने जो कान है उसके अंदर हैंड फ्री या कोई भी चीज यूज करके कुछ ना कुछ सुनते रहते थे। कुछ ना कुछ सुनने के बाद ऐसा हुआ कि एक वक्त आया कि इन्हें विदाउट अटेंशन, अटेंशन देने के बगैर इन्हें जो भी ये सुनते थे वो याद रहना शुरू हो जाता था। मतलब जो भी सुनते थे इन्हें याद होता था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं एक्सपेरिमेंट, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर इन्होंने इसके विजुअल अरेज निकाले कि जिस तरह फर्स्ट कंडीशन में एक लेटर है जे, जे लेटर दिखाने के बाद उसको फौरन से हटा दिया बहुत जल्दी, मतलब फौरन कुछ सेकंड्स में उसको गायब कर दिया। उसके बाद कुछ लेटर्स दिखाए जैसे कि जी के, एम, एफ, और कहा कि क्या इनमें से कोई लेटर आपको दिखाया गया। उसके बाद आगे बात हो रही है द टास्क की, मतलब इसको इस पूरे टास्क को परफॉर्म करने के बाद, इस एक्सपेरिमेंट के बाद, फिर डिफरेंट उन्होंने इसके रिएक्शन टाइम्स निकाले जो हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ के भी आए हैं कि क्या रिएक्शन टाइम होता है, कि 95% एक्यूरेसी निकली 80 माइल सेकेंड्स में, और फिर मैं हाईलाइट कर देती हूँ 400 माइल सेकेंड्स निकले 95% में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसे, मैंने कंसेप्ट भी क्लियर करवा दिया और आप लोग खुद इसे एक दफा रीड भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेसन नंबर 11, चलते हैं लेसन नंबर 12 की तरफ। शॉर्ट सा ये लेसन नंबर 11, मैंने सोचा है कि वीडियो में रिकॉर्ड कर दूं। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं, लेसन नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फाइव क्राइटेरिया फॉर ऑटोमेटिसिटी, फाइव क्राइटेरियाज बताए हुए उन्होंने ऑटोमेटिसिटी के। फर्स्ट है इंटेंशनल वर्सेज इंसिडेंटल लर्निंग। इंटेंशनल वर्सेज इंसिडेंटल लर्निंग कौन सी होती है? सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटेंशनल लर्निंग क्या होता है। इंटेंशनल लर्निंग जो आप कोई काम करते हैं, कोई भी मतलब के अटेंशन देते हैं आप, ठीक है, किसी काम को अटेंशन देते हैं फिर आप कोई काम परफॉर्म करते हैं, या आप उसे पहले सीखते हैं फिर आप उसे करते हैं। लेकिन इंसिडेंटल लर्निंग क्या होता है कि कोई काम ऑटोमेटिकली आप कर देते हैं, आपके कॉन्शियस अवेयरनेस, विदाउट कॉन्शियस अवेयरनेस आप वो काम परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, उसे कहा जाता है इंसिडेंटल लर्निंग। अफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस, मैं आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी, बाकी जो थ्योरी लिखी हुई है आप लोग रीड करेंगे तो आप लोग इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। इफेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस, इफेक्टिव ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस में उन्होंने कहा है कि जब भी कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है टास्क को परफॉर्म करने के लिए तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होता है कि आप उसे कैरी कर लेते हैं, क्योंकि आप उस काम के बारे में जानते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एक्सपर्ट क्रिकेटर है उसको जो भी इंस्ट्रक्शन दी जाएगी वो उन्हें फौरी तौर पर समझ लेगा, क्योंकि वो उन इंस्ट्रक्शन को जानता है और उसकी प्रैक्टिस भी ऑलरेडी मौजूद है उसके पास। टास्क इंटरफेरेंस क्या होता है? टास्क इंटरफेरेंस उन्होंने बात की, ऑटोमेटिकली प्रोसेस शुड नॉट इंटरफेयर विद ईच अदर बिकॉज दे रिक्वायर लिटिल आर नो कैपेसिटी। उन्होंने कहा है कि ऑटोमेटिक प्रोसेस जो होता है वो इंटरफेयर नहीं करता इनके दरमियान, क्योंकि ये बिल्कुल ही एक लिटिल अटेंशन के लिए इसकी जरूरत होती है या वो भी नहीं होती, ठीक है। डिप्रेशन आर हाई अरोजल, डिप्रेशन और हाई इरोजल की उन्होंने बात की है कि इमोशनल स्टेट्स में आते हैं डिप्रेशन और हाई इमोशनल इरोजल, ठीक है, जो कि काम की इफेक्टिवनेस को और एफर्टफुल प्रोसेस को मतलब कम कर देते हैं। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते, अगर आप सैड मूड में हैं, मूड में हैं, या कोई भी किसी किस्म की डिफिकल्टी है, तो आप अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। डिवेलपमेंट ट्रेंड्स क्या होता है?
डेवलपमेंट ट्रेंड्स में उन्होंने बात की है कि जब एक एक आप फॉर एग्जांपल एग्जांपल ले लें, आपको मैथ समझाना चाहते हैं किसी को, आपके पास एक छोटा बच्चा है और कोई एक जो है वो पढ़ा लिखा बंदा है, ठीक है। अब जो बच्चा है वो तो आपकी बात को इजली नहीं, वो आपकी बात को सॉरी नहीं समझ पाएगा, ठीक है, वो मैथ नहीं समझ सकेगा। लेकिन अगर आप किसी बड़े बच्चे को ये बात समझा रहे हैं तो वो इजिली मैथ को समझ जाएगा। इस ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डेवलपमेंटल ट्रेंड्स पे डिपेंड करता है, हमारी डेवलपमेंटल स्टेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप किसी बच्चे को कोई बात समझाना चाह रहे हैं तो आप उसे बहुत मुश्किल से समझा पाएंगे बनिस्बत इसके कि कोई बड़ा आदमी आपके पास मौजूद है। आगे उन्होंने कुछ वर्सेज बताए हुए हैं, इंटेंशनल वर्सेज इंसिडेंटल प्रोसेस में क्या होता है कि ऑटोमेटिक नो डिफरेंस, इफोर्टफुल इंटेंशनल बेटर। उसके बाद इफेक्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी ऑटोमेटिक नो एफर्ट्स, लेकिन अगर आप इफोर्टफुल में थोड़ी सी परफॉर्मेंस देते हैं मतलब आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। टास्क इंटरफेरेंस में भी ऑटोमेटिक में तो नो, आप सब समझ सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो काम होगा उसके अंदर तो ना हमें कोई इफेक्ट की, ना तो कोई इफेक्ट होगा ना ही कोई इंटरफेरेंस होगी। बात यहाँ पे आ रही है एफर्टफुल की, एफर्टफुल की, एफर्टफुल में इसमें भी इंटरफेरेंस आ रहा है। डिप्रेशन में एफर्टफुलनेस पुअर परफॉर्मेंस है, डेवलपमेंटल ट्रेंड्स में एफर्टफुल जो है ये भी एक पुअर परफॉर्मेंस देता है। तो ये हमारा लेसन नंबर 12 था, लेसन नंबर 11 और 12 मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया, कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिए। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कुछ समझ नहीं आती आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सर रीड करें, कुछ समझ ना आए आप पूछें, आपको लाजमी रिप्लाई मिलेगा। और लास्ट में फिर वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।